हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिन है संडे और संडे के दिन हुआ क्या था। वैसे तो हमारे लिए ना कोई संडे है, ना कोई मंडे है, ना कोई ट्यूजडे है। तो यहाँ पर जो है संडे वाले दिन हुआ क्या था कि हस्बैंड ने कहा कि मैं थोड़ा लेट जाऊँगा, तो फिर मुझे लगा कि, और वो सो रहे थे, मतलब उनको जब भी घर पर होते हैं तो सोते ज़्यादा, तो आज वो सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम निपटा लूँ। तो मैंने यहाँ पर छोले बनाए थे, छोले बना कर रख दिए हैं, और अभी जो है लंच के लिए मतलब कर दिया रेडी, लंच रेडी कर दिया है, और ब्रेकफास्ट की तैयारी करके रख लिया है, क्योंकि वो जब भी उठेंगे, सोकर उठते हैं ना, तो उनको रहता है कि वो सीधे जैसे हम लोग सब्जी रोटी पराठा मतलब कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उनको ये है कि वो नाश्ते को नाश्ते की तरह ही करेंगे, चाहे वो कभी भी ना आए, चाहे वो लेट ना आए, ना चाहे वो जल्दी ना आए। तो यहाँ पर जो है मैंने सब कुछ करने के बाद किचन को समेट रही हूँ, और लगभग 10:30 या 11:30 का टाइम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो बर्तन वर्तन मांजो ना तो फिर ये लगता है, बर्तन वर्तन साफ़ करो तो फिर ये लगता है ना कि नहाने से पहले ही कर लो, तो नहाने से पहले ही कर लो तो सही रहता है, फिर उसके बाद नहाओ धो तो फिर ठीक रहता है। तो अभी यहाँ पर जो है सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी, और यहाँ पर जो है मैंने ये छोले बना दिए, खाली कर दिए, कुकर भी साफ़ कर दिया, मतलब बर्तन भी सारा, किचन पूरी तरह से क्लीन कर लिया मैंने। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी, मैंने छोले बना लिए और धनिया वनिया डाल दिया अच्छे से ऊपर से, तो अच्छे बन, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोले। और अभी देखती हूँ, सोचती हूँ क्या बनाऊँगी छोले के साथ, क्योंकि हस्बैंड का कुछ पता नहीं है क्या लेकर जाएंगे, तो जब वो ले जाएंगे उसे कुछ देर पहले ही मैं बना लूँगी, चावल कहेंगे तो चावल, नहीं तो मैं रोटी भी रख दूँगी। और बच्चों की तो डिमांड है कि भटूरे खाने हैं, तो उनके लिए तो मैं भटूरे बनाऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा रखा था, संडे के दिन सुबह अपने उठे, ब्रश करने के बाद जो दूध वूध पीते हैं, दूध बिस्किट खाने के बाद मैं उनको पढ़ाने बैठा देती हूँ, क्योंकि मंडे के दिन टेस्ट होता है उनका, हर मंडे को टेस्ट होता है, तो उस इसीलिए मैं उनको लर्न करने के लिए बैठा देती हूँ। तो इसको टेस्ट के लिए शीट मिली थी, तो ये लिख रही है, और उसके लिए लर्न करने को वो लर्न कर रहा है। और किचन का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ और इन बच्चों को नहला रही हूँ। 11:30 का टाइम होगा, मैंने कहा नहा लो आप। और संडे के दिन मैं हमेशा इनको शैम्पू वगैरह जो भी होता है, वो नहाना धोना इनका जो भी होता है, वो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि संडे का दिन थोड़ा बच्चों को अच्छे से नहला देती हूँ, बाकी दिन ये खुद नहाते हैं, तो इनको अच्छे से वॉश अच्छे से हेयर वॉश वगैरह कर लेती हूँ। और सेम बेटी के साथ भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि बेटी के बाल तो बहुत लंबे हैं, तो उसको तो संडे का दिन ही मिलता है हेयर वॉश वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर जो है उसका भी हेयर वॉश करूँगी, उसको भी नहला दूँगी अच्छे से, क्योंकि बाकी दिन तो वो स्कूल जाते हैं, तो अपने हिसाब से नहाना धोना वो सब होता है, तो इसीलिए एक संडे का दिन ऐसा होता है कि उसी दिन कर पाते हैं ये सारे काम। और मुझे लगता है सभी के घरों में ऐसा होता होगा, क्योंकि संडे के दिन और ज़्यादा काम बढ़ा हुआ लगता है, बच्चों के नेल्स कट करना, ये सारी चीज़ें भी संडे के दिन ही हो पाती हैं, बाकी दिन तो बिज़ी रूटीन रहता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है सभी के घरों में ऐसे ही होता होगा। और इसको ना शुरू से लंबे बाल रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब मेरे बाल भी काफ़ी लंबे थे, और ये जब भी किसी के भी लंबे बाल देखती थी तो मुझे बोलती थी कि मुझे अपने लंबे बाल ही रखने हैं। तो अभी इसके बाल काफ़ी लंबे तो हो गए हैं, लेकिन होता क्या है कि अभी ये छोटी है, केयर तो कर नहीं पाती, तो उसके लिए केयर मुझे ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वॉश कर लिया है मैंने, इसका हेयर वॉश हो गया है इसका, और अभी जो है नहला दिलाकर अपने रेडी कर दूंगी बच्चों को भी इनका। और बालों की केयर ना एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें टाइम लगता ही लगता है, मन हो तो ना हो तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हेयर में थोड़ी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। तो इसके हर संडे को इसी तरह मैं वॉश कर देती हूँ, अगर बीच में छुट्टी हो जाती है बीच में भी वॉश कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है बच्चों को नहलाने के बाद मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ बटर टोस्ट, बटर सैंडविच, टोस्ट बोल रही हूँ, चीज़ बटर सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने बटर को ना सुबह ही मॉर्निंग में ही बाहर निकाल दिया था, तो बिल्कुल मेल्टेड है, मतलब बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं है, तो आराम से स्पून से बाहर निकल कर आ गया। तो इस तरह से मैंने बटर को लिया है, और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी ये जो लहसुन को घिस लिया है मैंने, लहसुन और धनिया, ये दोनों चीज़ को मैंने घिस कर रखा हुआ था,
मैंने इनको पहले ही कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया किचन के सारे काम तैयारी करके रख दी थी, सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पर धनिया और लहसुन को बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और उसके बाद जो है बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ लिया है, तो चीज़ को मैंने पैकेट खोल कर रख रही थी और खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खुल रहा था। तो यहाँ पर इतने तवा गरम होगा, इतनी इसी बीच में मैं यहाँ पर इन सब में चीज़ लगा लूँगी इस तरह से। तो ये चीज़ को ब्रेड के बीच में लगा कर, तो जैसा नाम है उसी हिसाब से बटर चीज़ सैंडविच है, तो इसलिए चीज़ तो ऑब्वियसली होगी होगी। अब इसमें आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हो आप लेना चाहो तो, लेकिन मुझे सिंपल चीज़ का ही बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ चीज़ का ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है सभी ब्रेड के बीच में चीज़ लगा लूँगी, जितने मुझे रेडी करने हैं अभी फ़िलहाल उतने मैं रेडी करके रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने बनाया, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि बटर एक तरफ लगा लिया था, दूसरी साइड मैंने तवे पर रखा और ऊपर से लगा दिया, तो गार्लिक और बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और इस तरह से थोड़ा दबाकर सेक लेंगे इसको बढ़िया तरीके से, और गरम गरम बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत यम्मी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आया था। आप कभी ट्राई करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जो है बढ़िया बढ़िया सिक जाएंगे, करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी। और तवे को थोड़ा स्लो गैस पर रखना है, ताकि ज़्यादा तेज़ गैस पर जल जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी, आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए बढ़िया बढ़िया यमी यमी सैंडविच। तो रेडी है मेरे चीज़ गार्लिक सैंडविच, चीज़ गार्लिक बटर सैंडविच, सॉरी चीज़ गार्लिक बटर सैंडविच रेडी हैं। आप लोग भी ट्राई करके बताइएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आए, अभी बच्चे भी बताएंगे कि कैसे लगे। कैसा लगा नेत्री? बहुत टेस्टी है, बहुत 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 टेस्टी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं सुबह से अभी मिल रही हूँ आपको, और अभी अंधेरा हो गया, 5:30 6 बजने वाले हैं, नहीं भाई 6:15 हो गए हैं। और अभी मैं जो है शाम का काम करने वाली हूँ, और संडे का दिन मुझे लगता है सभी का बिज़ी रहता होगा, किस किस का बिज़ी रहता है वो भी बताइएगा। और अभी आप मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, देखो मौसम बहुत अजीब सा होने लग रहा है, टॉवल्स धूप में डाल देती हूँ मैं, इधर पड़ी हुई हैं, मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, बादल घिर रहे हैं, अलग ही अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, काले बादल हो रहे हैं भयंकर वाले। और आप लोग बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कमेंट करा करिए। और अभी मैं पंखा बंद कर देती हूँ, आवाज़ नहीं जाएगी इसमें, तो आपसे थोड़ा सा बातें करते हैं। लाइट बंद कर दी मैंने, तो आप बताइए कैसे हैं बच्चे? अभी खेलने चले गए हैं मेरे दोनों बच्चे, और अभी मैं अकेली हूँ, तो अभी क्या कहते हैं उनके जाने के बाद थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा काम होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद इनको पढ़ाने के लिए रखती हूँ। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, बहुत मौसम ख़राब भी हो रहा है आज ना, इस बार इतनी बारिश हो गई है, उसके बाद भी ना वो जो ठंडक सी होती है ना वो नहीं हो पा रही है। वैसे तो
हमारे देहरादून की तरफ काफ़ी ठंडा हो जाता है, जब बारिश होती है तो काफ़ी ठंडा हो जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो और धूप निकल आए तो गर्म सा अलग सा मौसम होने लगता है। तो अभी जो है बारिश का मौसम हो रहा है, कल बारिश नहीं आई है, नहीं परसों रात को भी बहुत तेज़ बारिश थी, पूरी रात बारिश हुई थी, मॉर्निंग में भी बारिश थी, लेकिन पूरे दिन कल नहीं आई थी, तो परसों आई थी, कल नहीं आई थी। तो अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है, देखते हैं थोड़ी बहुत देर में शायद बारिश हो जाए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, दिखाऊँगी। मतलब मौसम अच्छा है देहरादून का, बहुत अच्छा रहता है। और मैंने तो अपने मायके जाना छोड़ दिया है, सिर्फ किस वजह से कि मुझे गर्मी ज़्यादा नहीं अच्छी, मतलब नहीं झेली जाती। और अपना तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बच्चे नहीं झेल पाते हैं गर्मी को ना, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कुछ। तो आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ आप लोग, कहाँ से हैं, कैसे हैं, मतलब किस जगह से हैं। मैं यूपी से थी और अब मैं देहरादून आ गई हूँ। मैं अपने मायके बहुत कम जाती हूँ, मतलब बहुत कम। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेडशीट बिछाने के लिए, बेडशीट निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो बेड पर, क्योंकि आज संडे था तो मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ धोई थी, सब कुछ वॉश किए हुए थे, और आज दिन में धूप भी थोड़ी सी निकली थी, तो इस वजह से मैंने साथ के साथ कपड़े भी धो दिए थे। और वैसे भी धूप निकले या ना निकले, लेकिन घर के काम तो ऐसे होते हैं जो करने ही करने हैं। तो यहाँ पर बेडशीट तो काफ़ी कई दिन से गंदी सी भी हो रही थी, तो फिर वॉश तो करने ही थे, तो टाइम हो भी गया था उनका, तो इसलिए वॉश भी करना था। और इसी मैं ना शाम के टाइम ही ज़्यादातर बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, ताकि होता क्या है कि दिन में तो वैसे ही बिजी रूटीन सा रहता, तो शाम के टाइम ही धो देती हूँ। जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो एक बार पूरे घर में घूमकर पूरा क्लीन कर देना, ये सब करना, सही समेटना, सही से अच्छे से समेट देना, सब इवनिंग टाइम में ही करती हूँ। तो बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी, दोनों बेडरूम में बिछा के उसके बाद साथ के साथ ब्लैंकेट भी सही कर दूँगी। और कमरे में पर्दे वगैरह डालना, ये सब चीज़ भी मैं शाम को ही करती हूँ, जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तभी करती हूँ, ताकि मैं मतलब सुकून से कर पाती हूँ, वैसे नहीं हो पाता, मतलब जब बच्चे होते हैं तो साथ में नहीं हो पाता, या फिर बच्चे स्कूल गए हों, जब स्कूल गए हुए होते हैं तो आराम से हो जाता है। और यहाँ पर अभी मैं जो है पर्दे वगैरह सब कुछ डाल के अपना रूम सेट कर दूँगी। तो आज की वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थोड़ा बहुत पसंद आता है तो शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।